मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ, पूरी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, सर्दी ने पूरा हालत ख़राब करके रखा है। सर भारी हो रहा है और फीवर तो हो ही जाता है उसकी वजह से। क्या कर रहे हो? सर्दी लग रही है ना, तो उस पर जाके पहनो, उसको खोलो। बस हो गया। और आज है महाशिवरात्रि, आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे, और जो भी जुड़ी है वो ऐसे ही माता पार्वती और भगवान शिव की तरह खुश खुशहाल रहे, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीते इसी अच्छे नेक के साथ। बिना देरी के चलते हैं पूजा की तैयारियां कर लें, क्योंकि अभी तैयारी करते करते भी तो टाइम लगेगा ना। तो मैं नहा चुकी हूँ, मैंने ऐसे नॉर्मली एक साड़ी पहन लिया है, पूजा करना था इसके लिए। पहले हम लोग घर की पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज के दिन आसपास के मंदिर जाना तो बनता ही बनता है। तो अच्छे से पूजा करेंगे पहले घर पे, उसके लिए सबसे पहले थाली रेडी करना होता है। तो मैं सबसे पहले फटाफट से थाली रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, देन मैं रेडी होंगी, उसके बाद पूजा करेंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारा काम है तो फटाफट से इस काम को ख़त्म करते हैं। पहले थाली सजा ली है अपनी पूजा की बहुत अच्छे तरीके से, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सीधा सिंपल सा बाल झाड़ लिया है, मैंने इस हाथ से ये वाला जो चूड़ी था मेरा, ये वाला पहन लिया है, बस साड़ी छोटा सा बिंदी और ये वाला तो था ही गले में, और मैंने कुछ नहीं किया है। अब चलते हैं फटाफट से पूजा करने। हमारा पूजा का थाली, चलो भाई इसे हम अभी रख देते हैं यहाँ, ये तुलसी जी के पास। ये आ गया थाली हमारा, और वो है शिवलिंग जिसकी पूजा हम लोग करेंगे। और ये हमारा फूल, अभिषेक वाला थाली, अगरबत्ती, ये भी चल भाई। सबसे पहले हम शंकर भगवान को उठाएंगे, इस थाली में रखेंगे और इस थाली को यहाँ जो है वो सेट करेंगे। जा रही हूँ पूजा करने, तो जब तक पूजा होगा तब तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैं फटाफट से पहले पूजा कंप्लीट करती हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी देखिए, मैं अभिषेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभिषेक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराया है, उसके बाद मैंने यहाँ हनी से उनका अभिषेक किया है, आप देख लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रही हूँ वॉइस ओवर करके, मेरा आवाज़ थोड़ा भारी जा रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने हनी डाल के अच्छे से भगवान शिव का अभिषेक किया है, उसके बाद मैं फिर गंगा जल से उनको नहलाया, उसके बाद मैंने घी डाला, उससे उनका अभिषेक किया, फिर मैं अगेन गंगा जल डाल के उनको अच्छे से नहला रही हूँ। हम जितनी बार अभिषेक करेंगे उतनी बार गंगा जल या फिर साफ़ पानी से एक बार उनको ज़रूर अभिषेक कराया जाता है, ताकि वो साफ़ हो जाए। तीसरा जो अभिषेक है वो मैं चीनी से कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चीनी से अभिषेक किया है। और आप अच्छे से जो शिवलिंग है जिस पे हम लोग अभिषेक करते हैं उनकी मालिश कीजिएगा जब भी आप ऐसे अभिषेक करें। चीनी के बाद बारी आती है दही की, तो फिर मैंने दही को भी अच्छे से भगवान भोलेनाथ के बॉडी में, शरीर में, मतलब जैसे जो भी बोली उस पर लगाया है। फिर मैंने गंगा जल से उनको वॉश किया है, अच्छे से धोया है, उसके बाद फिर लास्ट में दूध की बारी आती है, दूध से उसे अच्छे से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से धो के अच्छे से साफ कर देंगे, स्नान करा देंगे। और उसके बाद जो ये हमारा पंचामृत वाला जो अभिषेक है, जो ये पानी है, इसको मैंने तुलसी मैया के पौधे में डाल दिया है, इसको वेस्ट नहीं करना है। आप चाहे तो इसे पंचामृत के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बस सिंपली मैंने यहाँ पे पूजा किया है, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ जब भी मैं ऐसा कोई पूजा का ब्लॉग डालती हूँ या फिर वीडियो डालती हूँ, तो सबकी पूजा की अपनी अपनी एक तरीके होते हैं, सबकी अपनी परंपरा होती है। तो हो सकता है कि पूजा थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो सबकी सेम ही होती है। तो बस मेरी भी यही है, मुझसे जितना हो पाया, भोले बाबा ने मुझे जितना दिया, मैंने कोशिश की उनकी सेवा करने की। और आज के दिन आप मंदिर में इतने सुकून से पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को जल चढ़ाना होता है, सभी को पूजा करना होता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सिंपली पहले घर पे अच्छे से पूजा कर लूँगी। और हमारे अपार्टमेंट में छोटा सा शिवलिंग भी था, तो भगवान छोटे हो या बड़े, सब जगह उनकी शक्ति समान ही होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पूजा किया, दीप जलाया घी का, और उसके बाद मैं मंदिर गई थी, जो कि अब आप आगे देखेंगे ही।
तो बस इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हुई और पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पाठ उठ भी किया मैंने, बट मैंने आपको शॉर्ट में ऐसे क्लिप कट करके डाल दिया है। यहाँ पे मैं अपना गाना पढ़ रही हूँ। पूजा कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊँ। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर, मंदिर में दर्शन करने। अगर आपके आसपास मंदिर है तो ज़रूर मंदिर जाइए, आज के दिन बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ट्रस्ट में। अगर आप नहीं जाते हैं भीड़ की वजह से तो अरे यही तो मज़ा है यार, भगवान से मिलने जाया जाता है, भगवान को नहीं बुलाया जाता है। तो मैंने जैसे एक पूजा कर लिया, अगर मैं चाहती तो नहीं जाती, बट मैं जाऊँगी क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ। और मुझे जाना है खजपुरा, तो यहाँ से आधे पौने घंटे लगेंगे शायद। आज ट्रैफिक भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, पता नहीं क्या है। तो चलिए चलते हैं, पहले एक बार मैं आपको लुक दिखा दूँ पूरा पूजा होने के बाद, कैसे लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। मुझसे जितना हुआ मैंने पूजा किया, आप लोगों से भी जितना बन सके वैसे पूजा कीजिए। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती है, जिसके पास जो होता है वो उस तरीके से पूजा करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है, जी नहीं। आप अपने तरीके से पूजा कीजिए, बस मन एकदम अच्छा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए भोलेनाथ के लिए। बाकी वो तो भोलेनाथ बोला ही जाता है, उनको वो तो सुनते ही है ना। तो एक बार मैं आपको पूजा होने का बाद का लुक दिखाती हूँ। हमारे भोलेनाथ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इनका श्रृंगार हो गया है बहुत अच्छे से। मुझसे जैसे हुआ मैंने बन पड़ा मैंने वैसे किया, होपफुली अच्छा से हो चुका है पूजा। अब चलते हैं मंदिर। साड़ी खोल दिया मैंने, वाला सिंपल वाला ड्रेस पहन लिया, क्योंकि साड़ी पहन के उतना दूर जाना, फिर उतना भीड़ भयान पर जाना मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और उसके बाद तबीयत भी ख़राब है, सर्दी फीवर सब चीज़ है ऑलरेडी। लेकिन मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी, भले ही घर पे पूजा हो गई है लेकिन मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी वहाँ पूजा करने। तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि मैं साड़ी पहन के नहीं हो सकता मुझसे, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा ये वाला ड्रेस। तो अभी चलते हैं, आँख इतना ज़्यादा जल रहा है ना सर्दी की वजह से कि मैं बयान नहीं कर सकती। खैर चलते हैं। तो आ गए हैं हम लोग और इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए लाइन जा रहा है, जबरदस्त भीड़ है। बाप रे बाप, दो तीन घंटे, अगर एक बार लाइन में लग जाओ तो दो तीन घंटे की छुट्टी। और मंदिर जाने का मेन मकसद, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे महाकाल का ये वाला जो टीका है चंदन और कुमकुम का, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे इतना सुकून मिलता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं जब गई वहाँ पर तो इतना ज़्यादा भीड़ था, मुझे लगा कि क्या यार टीका हो भी पाएगा कि नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैंने भोलेनाथ को बोला कि मैंने क्या पूजा में कोई गलती कर दी भगवान की, मुझे टीका नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट बोलते हैं ना कि सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो वो ज़रूर सुनते हैं। और देखिए मैंने टीका लगवा लिया, प्रणाम भी हो गया, भगवान को दर्शन भी हो गए। और वहाँ पे तो इतने ज़्यादा प्रोग्राम होने वाले हैं आज की, पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा भीड़। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, लाइन का अंत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ है वहाँ पे। तो अभी पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और अब मैं कुछ खाऊंगी, प्रसाद वगैरह या चाय पीऊंगी। तो मज़ा आ गया और बस ऐसा कुछ दिन चल रहा है अभी तक। आप लोग भी शिवरात्रि मनाइए और महादेव की भक्ति में रम जाइए। देखो मिल गया है बंदूक, इसे भी मैंने टीका लगवा दिया, अच्छा लग रहा है ना। और पूरा सामान मैश पड़ा है तो प्लीज़ इग्नोर दिस।
अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, और खाने में मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स लिया है। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। मैंने चाय तक नहीं पिया है, छूना नहीं जूठा हाथ से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो खा लूँ, ऐसे सुबह से ऐसे ही हूँ, मैंने पानी तक नहीं पिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार आधा एप्पल ही खा लेते हैं। हालत तो अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी वैसा ही लग रहा है, अभी आजकल ऐसे ही रहने वाला है। तो बस क्या कर सकते हैं, खाया जाए, प्रसाद एंजॉय करते हो, है ना। क्या लोगे एप्पल? रुको हम ले रहे हैं, बैठो वहाँ हाथ धो लेते हैं, जाओ मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। एवरीवन, शाम हो चुकी है और शाम का भी पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि पूजा हम लोग के यहाँ दोनों टाइम ही होता है। नॉर्मल डेज में भी शाम को जरूर दिया जलता है, तो अभी चलते हैं शाम को, थोड़ा कपूर वगैरह जला देते हैं। मैं दिया में थोड़ा सा कपूर ले ले रही हूँ, शाम का दिया जलेगा अभी। और यहाँ से ले ले रही हूँ अगरबत्ती, माचिस, ये रहा माचिस, आ गया। चले चलते हैं, पकड़ो यही। कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे कपूर जल रहा है, धूप काठी, हमारे भोलेनाथ, शाम की भी पूजा कंप्लीट। पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है शाम की भी, और मैंने अपना फेस नहीं धोया है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, महाकाल का जो टीका होता है मंदिर में, तो मैंने वॉश नहीं किया, बस हाथ पैर सब वॉश किया। और अभी मैं आ गई हूँ टेरिस पे अपार्टमेंट के, जी हाँ। और अभी मैं करने वाली हूँ 1 घंटे वॉक, ये मेरा डेली का रूटीन है, आपको पता ही है कि मैं सुबह और शाम डेली 1-1 घंटा वॉक करती हूँ, ज़्यादा हो जाए तो बेहतर, बट मैं इसको मिस नहीं करती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। तो अभी 1 घंटे वॉक करेंगे, और वैसे तो मन नहीं है फीवर की वजह से कि मैं कहीं जाऊं या फिर कुछ करूं, बट देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ जाना तो दिखाएंगे आपको, नहीं तो सर्दी की वजह से हालत ख़राब है, तो मैं कहीं नहीं ही जाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ वॉक करने के बाद आपसे। फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने, एक्चुअली मैं ब्लॉग का एंडिंग देने आ गई हूँ, मैं कहीं गई नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत तेज़ सर्दी है, फीवर जैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं कहीं गई नहीं, मैं घर में ही थी। और मैंने बस उस समय वही जो एप्पल और एक बनाना खाया था, और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने, एक सेकंड दिखाती हूँ। शकरकंदी है, इसे मैंने छील लिया है, इसमें से 2-4 पीस ही खाऊँगी मैं, मैंने पानी भी रख लिया है, थोड़ा सा दूध लूँगी, ये चीनी निकालूंगी मैं अभी, मैं ये खाऊंगी क्योंकि पूरे दिन तो मैंने ऐसे भी कुछ नहीं खाया, सर चक्कर जैसा आ रहा है, कमजोरी जैसा फील हो रहा है इसकी वजह से, तो मैं थोड़ा सा ये लूँगी और खाऊंगी। और बस मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया तबीयत ख़राब की वजह से, होपफुली मैंने जो भी सूट किया है आपको अच्छा लगा है, और आप लोग भी अच्छे से महाशिवरात्रि मनाए होंगे, यही आशा करती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगी, और बस और कुछ है नहीं बोलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और एक बार से फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।